कामयाबी का सूरज उन्हीं को नसीब होता है जो कड़ी मेहनत की आग में जलकर निखरते हैं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एंकरिंग और वॉइस ओवर मेरा शौक है, और अपने इसी शौक के चलते अलग अलग फील्ड्स के लोगों से मेरी मुलाकात होती रहती है। अभी तक मेरे साथ आपने कई खास जगहों की यात्रा की, पर जैसा कि आपसे वादा था कि ट्रैवलिंग और अलग अलग जगहों के साथ साथ मैं आपकी मुलाकात कुछ खास लोगों से भी करवाऊंगा। उसी फहरिस्त में आज शख्सियत से आपको मिलवाता हूं जिन्होंने बहुत कम उम्र में सफलता का शिखर हासिल किया और जिनके नाम की गूंज आज चारों ओर सुनाई दे रही है। वो नाम है सुश्री जागृति अवस्थी। साल 2020 के यूपीएससी एग्जाम में टॉप करते हुए सुश्री जागृति अवस्थी ने महिला वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। महर्षि विद्या मंदिर रतनपुर भोपाल, वो जगह जहां से जागृति अवस्थी ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। और इतनी बड़ी सफलता के बाद स्कूल ने इनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें जागृति जी ने अपने सभी पुराने टीचर्स से मुलाकात की। इस मौके पर हुई बातचीत में उन्होंने मुझे अपने स्कूल के दिनों, साथ ही अपनी पूरी जर्नी की चर्चा की। खास तौर से जागृति जी ने बच्चों को समय का पूरा उपयोग करने के साथ बड़ा लक्ष्य बनाने की सलाह दी। दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और सबसे बढ़कर विनम्रता, इन सभी गुणों से संपन्न व्यक्तित्व है जी का। जागृति जी के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं।